दोस्तों बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर और अक्षय खन्ना की आगामी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर लिखी गई किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर आधारित इस फिल्म के रिलीज से पहले इसके बारे में हर छोटी बड़ी बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अनुपम खेर का लुक इस फिल्म में हूबहू पूर्व प्रधानमंत्री के जैसा ही रखा गया है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी कलाकारों ने बुक में बताई गई बातों को पर्दे पर बखूबी से उतारने की कोशिश की है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ऋषि कपूर ने भी इसे शानदार बताया है। आपको बता दें कि ऋषि कपूर इन दिनों न्यूयॉर्क में है, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ऋषि कपूर ने अनुपम खेर को बधाई देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि इस फिल्म का ट्रेलर शानदार है। फिल्म पॉलिटिकल होने के साथ साथ मजेदार भी है। फिल्मों में अपनी शैली को लेकर आपका जो पैशन है वह लाजवाब है और यही आप अपने एक्टिंग स्कूल में भी सिखाते हैं। फिल्म में अक्षय खन्ना का लुक काफी प्रभावी है, पहले से ही आपको बधाई। वहीं ऋषि कपूर के ट्वीट का जवाब देते हुए अनुपम खेर ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर को धन्यवाद कहा और बताया कि यह फिल्म न्यूयॉर्क में उनके साथ देखेंगे। दोस्तों अगले साल 11 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में दिव्या सेठ शाह ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर का किरदार निभाया है। अर्जुन माथुर राहुल गांधी बने हैं और आहाना कुमारा प्रियंका गांधी के रूप में नजर आएंगी। राम अवतार भारद्वाज ने अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका अदा की है। सोनिया गांधी का किरदार निभाने के लिए जर्मनी की कलाकार सुजैन बर्नर्ट को चुना गया है। दोस्तों इसी प्रकार की नई नई न्यूज अपडेट पाने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद।